मेघालय विधानसभा का चुनाव 27 फरवरी 2018 को हुआ था। मेघालय में 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन इसके बाद भी वह बहुमत से दूर रह गई थी। पार्टी को 59 में से 21 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरे नंबर पर एनपीपी रही, जिसके खाते में 20 सीटें आई थी। बीजेपी को राज्य में 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। एनपीपी के प्रेसिडेंट कॉनराड संगमा ने 6 मार्च 2018 को सीएम पद की शपथ ली थी और उन्हें बीजेपी ने भी समर्थन दिया था। आइए जानते हैं 2018 में मेघालय विधानसभा के नतीजे क्या थे। कांग्रेस ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 21 पर जीत मिली। पार्टी का वोट प्रतिशत 28.5% था। एनपीपी ने 52 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 20 पर जीत मिली। पार्टी का वोट प्रतिशत 20.5% से ज्यादा था। वहीं यूडीपी की बात करें तो उसने 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसे 6 पर जीत मिली थी। वोट प्रतिशत 11% से ज्यादा था। बीजेपी 47 सीटों पर जीत कराई थी और उसे 2 पर जीत मिली। पार्टी का वोट प्रतिशत 9.5% से ज्यादा का था। पीडीएफ ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 पर उसे जीत मिली। इसका वोट प्रतिशत 8.2% था। एचएसपीडीपी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 पर उसे जीत मिली। उसका वोट प्रतिशत 5.3% था। एनसीपी ने 6 पर चुनाव लड़ा और 1 पर उसे जीत मिली। वोट प्रतिशत 1.6% था।